वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और आज हम बात करने वाले हैं खून की कमी की, यानी कि अनीमिया की। हमारा शरीर क्यों चल फिर रहा है, हम क्यों भाग भाग कर काम कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। खून ही है जो हमारे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक वाइटल ऑर्गन को एनर्जी देता है, उस तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, जिसके सहारे वो ऑर्गन्स काम करते हैं और हमारा पूरा शरीर काम करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको अनेक सिम्टम्स जो हैं दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, आप बार बार बीमार पड़ने लगते हो, कई लोगों के सिर में हमेशा दर्द रहता है, कई लोगों को पसीना आता है, कई लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं। बच्चों में अगर खून की कमी है तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, एंड कई लोगों को बहुत थकान और सुस्ती रहती है, यहाँ तक कि वो अपना डेली का काम भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी है, तो शरीर साथ ही नहीं देता है, हमेशा थका थका सा फील करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं खून की कमी अगर होती है तो। आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है अगर आपके शरीर में खून की कमी है। इसके अलावा हाथों पैरों का सुन्न पड़ना या हाथों पैरों में सूजन आना भी एक लक्षण है खून की कमी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 60% लेडीज़ अनीमिक है, यानी उनमें खून की कमी है, और 40% बच्चे भी खून की कमी के शिकार है। जब इनमें से कोई लक्षण हमें दिखाई देता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं, पता चलता है कि खून की कमी है, यानी कि HB कम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या करते हैं, आयरन की टैबलेट्स ले लेते हैं या आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं कुछ समय तक, ताकि जो खून की कमी है वो पूरी हो सके शरीर में। बट होता क्या है, उन आयरन की गोलियों का, इंजेक्शंस का असर थोड़े टाइम तक रहता है और फिर से आपका शरीर सुस्त पड़ जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, HB कम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ HB बढ़ाने का, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का, आयरन की कमी को पूरा करने का, एनीमिया दूर करने का एक ऐसा रामबाण नुस्खा जिसे आपको लेना है, और कुछ ही दिन लेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी। बहुत इजी है इस रेमेडी को बनाना, घर पर आप इजीली रोज़ाना बना सकते हो इसको, बच्चे बूढ़े बड़े लेडीज जेंट्स सभी से खा सकते हैं, एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन C। विटामिन सी लेना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जितना मर्जी आयरन अपनी डाइट में शामिल कर लो, जितनी मर्जी गोलियां खा लो, इंजेक्शंस लगा लो, खून की कमी की भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप विटामिन सी लोगे तो ही आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो इसलिए अपनी डाइट में विटामिन सी आपने ज़रूर शामिल करना है। आप एक चम्मच आंवला डेली खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा खा सकते हो या आंवले का पाउडर ले सकते हो, आंवला जूस ले सकते हो विटामिन सी को पूरा करने के लिए। लेमन सूट करता है तो लेमन ले लीजिए, टमाटोज खाइए या फिर स्ट्रॉबेरीज या ऑरेंजेस अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये जो रेमेडी बता रही हूँ इसके साथ साथ आपको विटामिन सी भी शामिल करना है अपनी डाइट में। तो चलिए अब बताती हूँ कि रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करनी है ताकि आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो सके। हमारी इस खून बनाने वाली रेमेडी का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद तिल, यानी कि सिसमे सीड्स। सफ़ेद तिल में ढेर सारा आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, और ये खून बढ़ाने की एक एक्सेलेंट रेमेडी है, मतलब आयरन को बढ़ाने के लिए रामबाण के समान है ये सफ़ेद तिल। तो आसानी से किराना स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, घरों में भी अवेलेबल होते हैं, ये हम घर में रखते हैं, मिठाई वगैरह में यूज़ करते हैं तिल का। तो 2 चम्मच सफ़ेद तिल आपने लेने हैं और उन्हें एक बाउल में डाल देना है। अब आपको लेनी है 1 चम्मच किशमिश। किशमिश अगर काली वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो नॉर्मल किशमिश जो हम घर में रखते हैं वो आपको यूज़ करनी है। 1 चम्मच किशमिश, लगभग 15 से 20 दाने किशमिश का आपको लेने हैं, तो ये भी एक बाउल में डाल देने हैं आपने। अब आपने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करना है इसमें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 4-5 चम्मच ही लेना है, मतलब इतना लेना है कि ये दोनों चीज़ें उसमें भीग जाएं अच्छे से, और इनको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भीगने देना है दोनों चीज़ों को। चाहे तो आप ओवरनाइट भी भिगो करके रख सकते हैं, बट 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है, इतना आपको भिगोना ही है। तो 3 से 4 घंटे के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को पानी के साथ ही पीस लेना है मिक्सी में, और अच्छे से एक फ़ाइन पेस्ट आपने बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ पेस्ट बन जाएगा आपको।
तो ये रेमेडी आपकी बनकर के तैयार है, जो आपके खून को बढ़ाएगी, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती को बढ़ाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट इस रेमेडी का ये है कि शरीर में खून की वृद्धि तो करती ही है, HB तो बढ़ता ही आपका, साथ ही साथ आपके आँखों की रोशनी बढ़ती है और दिमागी पावर, दिमागी कंसंट्रेशन पड़ती है। बच्चों को ये दीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को दीजिए, मतलब उनका दिमाग तेज़ होगा और बुद्धि शार्प होगी, आईसाइट वीक नहीं होगी। जिनको चश्मा लगा हुआ है उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा, आईसाइट तेज करना चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर लेना, तो मतलब आईसाइट पे भी ये वर्क करेगी। तकरीबन 1/4 चम्मच अगर आप काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेते हो तो आईसाइट आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो 3-in-1 रेमेडी है ये, बल्कि मैं कहूँगी 4-in-1 रेमेडी है, क्योंकि आईसाइट इम्प्रूव कर रही है, ब्रेन को तेज कर रही है, खून बढ़ा रही है, साथ ही साथ शरीर में चुस्ती फुर्ती ला रही है। बहुत सारे लोगों को आजकल लेथार्जीनेस की प्रॉब्लम है, मतलब कुछ काम करने को मन ही नहीं करता है, हमेशा थकान रहती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। अब बताती हूँ आपको इसको लेना कैसे है, आपने कब लेना है ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपकी बॉडी पर दिख सके। चलिए देखिए, तो ये तिल और किशमिश का पेस्ट आपको खाना है जब भी आप दूध पिएं, उससे पहले सुबह दूध पीते हैं तो सुबह खा लें, और रात को अगर सोने से पहले दूध पीते हैं तो तब आपको इसको दूध के साथ ही खाना है, बच्चों को भी दूध के साथ ही देना है। तो आपने क्या करना है, इसको खाना है और फिर ऊपर से दूध पी लेना है। और साथ ही साथ विटामिन सी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करना है आपने। चाहे आप ऑरेंजेस खाइए, आंवला खाइए, मौसमी खाइए, नींबू या टमाटो, जो भी विटामिन सी के सोर्सेज हैं वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। कोई बाहर से आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो चीज़ें फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है या फिर घर में किसी के शरीर में खून की कमी है तो आप ये रेमेडी फॉलो कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको असर दिखने लग जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो के नीचे लाइक का थम्सअप का बटन है, उसे ज़रूर ज़रूर दबाना है आपने, क्योंकि इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आपके लिए अच्छा अच्छा काम करने की। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे दबाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपने क्लिक करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी हेल्थ टिप या किसी होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।